नमस्कार दोस्तों, देखिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको एक ही बातों पर ध्यान रखना है कि कभी भी मार्केट में जब कोई भी चीज सस्ती मिले, मतलब कि जो चीज जितने रेट की उससे कम रेट पर मिले, तभी अपन उसे खरीदना चाहिए। अब देखिए इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि देखिए जब भी कोई चीज 100 रुपए की और जब वो आपको 95 रुपए, 90 रुपए, 80 रुपए, 75 रुपए मिले, तो आपको ऐसे ऐसा खरीदते जाएंगे आप, तो लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत बड़े रिजल्ट देखने को मिलेंगे और ये छोटा छोटा बनके ही एक बहुत बड़ा रिजल्ट दिखता है। तो देखिए जब भी मार्केट में गिरावट दिखे, आपको थोड़ा बहुत अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे लमसम करते जाइए, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस देखने को मिले। तो देखिए आज के टाइम पर अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ऐसी ही हलचल देखने को मिल रही है, जिसके कारण कि इंडियन स्टॉक मार्केट में मिड कैप फंड जैसे कि मिड कैप इंडेक्स गिरा कल, और आज के टाइम पर भी थोड़ा रिकवर दिख रहा है, क्योंकि आज के टाइम पर कल रात के टाइम पर मार्केट क्रैश हुआ काय का, क्रूड ऑयल का। देखिए क्रूड ऑयल जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ, 5% से क्रूड ऑयल नीचे आया। अब देखिए क्रूड ऑयल जैसे ही नीचे आता है, इकोनॉमी एकदम से सुधरने लग जाती है, क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल जैसे ही गिरता है, मतलब कि क्रूड ऑयल के प्राइस जब सस्ते होते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टिंग थोड़ी सस्ती हो जाती है, कहने का मतलब है पेट्रोल डीजल और बहुत सारी चीजें जिसमें पेट्रोल डीजल और ईंधन लगता है वो सस्ते हो जाते हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा थोड़ा कम हो जाता है, जिससे कि इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है। और जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते जाते हैं तो महंगाई बढ़ती जाती है, सीधी सी बात है। तो ये नीचे जाता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट या दुनिया भर के कोई भी स्टॉक मार्केट में रिटर्न के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये एक कारण है। लेकिन देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ अभी यूएस मार्केट के कारण गिर रहा है, क्योंकि वहां की सरकार शटडाउन या बहुत सारी चीजें चल रही है। तो देखिए ये सारी चीजें टेम्पररी है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इससे घबराने वाली बात कोई नहीं है कि भविष्य में क्या होगा कैसा होगा, इससे आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। भविष्य में जैसा मार्केट रिटर्न दे रहा है वैसे ही होगा, सिर्फ इतना है कि अभी टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम के लिए मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, और ये गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझ के चलिए, क्योंकि ये गिरावट वही है जो आपको कई बार मौके दे रही है कि सस्ते में खरीद लो, सस्ते में खरीद लो। लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत बड़ा कॉर्पस देखने को मिलेगा और ये मार्केट में कई बार आता रहेगा। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, कहने का मतलब थोड़े टाइम के लिए, फिर मार्केट रिकवर हो जाएगा, फिर जैसे कि वैसे रिटर्न देगा। ये मार्केट में ऐसी हलचल चलती रहती है, लेकिन देखिए इस हलचल के बीच में आप अपना फायदा देखिए, मैं अपना फायदा देखता हूं, और मैं आपका फायदा दिखाने के लिए मिड कैप स्मॉल कैप जिसमें भी गिरावट देखने को मिले, अगर आपके पास पैसा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते चलिए। 100 रुपए की चीज जब 70 रुपए, 80 रुपए, 95 रुपए या 90 रुपए मिले तो खरीदने में क्या जाता है, सस्ता तो मिल रहा है ना। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आप एक बड़ा कॉर्पस बना लोगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में अपन एक फंड के बारे में बात करते हैं, जिसमें अगर आप लमसम करना चाहते हो 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, जितना भी आप करना चाहते हो, एक मिड कैप कैटेगरी का फंड के बारे में बात करते हैं। देखिए इस मिड कैप कैटेगरी ने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, देखिए उसके बारे में सारी चीजें डिटेल से लिख के रखी है, तो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बता देता हूँ। देखिए इस फंड के बारे में अपन बेंचमार्क जानेंगे, देखिए बेंचमार्क में 1 साल, 5 साल, 7 साल, 3 साल, इन सब में परफॉर्म अच्छा किया है कि नहीं, ये सारी चीज जानेंगे, और इसके साथ रिस्क पैरामीटर जानेंगे और पोर्टफोलियो भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, और जब भी आप किसी फंड को देखें तो रिस्क पैरामीटर जरूर देखें, बेंचमार्क रिटर्न जरूर देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 साल रिटर्न दे दिया और कई साल रिटर्न ही नहीं दिया, ऐसे फंड में नहीं जाना चाहिए, और बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो देखिए अगर अपन क्वांट के मिड कैप फंड की बात करें, तो क्वांट के मिड कैप फंड ने पिछले 5 सालों में 24.2% का रिटर्न दिया, और देखिए ये बहुत अच्छे रिटर्न होते हैं। अब देखिए अपन को बेंचमार्क से कंपैरिजन करते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल। देखिए 1 साल में इसके बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 26% का, और इस स्कीम ने दिया है 24% का रिटर्न, मतलब कि बेंचमार्क से कम रिटर्न दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार हो गया। देखिए कभी भी किसी के बेंचमार्क को आपको 1 साल में कंपैरिजन नहीं करना है। देखिए कई बार कुछ हो जाता है जिसके कारण कि स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, आपको लॉन्ग टर्म में देखना है, जैसे कि 2 साल, 5 साल, 3 साल, 7 साल, ऐसे टाइम पे देखना है। अगर इसके 3 साल की बात करें, 5 साल की बात करें और 7 साल की भी बात करें, तो देखिए 7 सालों में भी काफी अच्छे रिटर्न दिए, मतलब बेंचमार्क से ज्यादा ही रिटर्न देखने को मिले। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज पहली चीज देखनी है, फिर उसके बाद देखना है आपको रिस्क पैरामीटर। रिस्क पैरामीटर से मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा और शार्प रेशियो, ऐसी सारी चीजें देखनी है, और बहुत सारे रेशियोस होते हैं लेकिन ये ज्यादा काम के। तो देखिए अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा की बात करें, तो ये कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, मतलब कि ये कैटेगरी से ज्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल से मतलब है जो ऊपर नीचे आपको फंड होता रहता है ना, उसी को कहते हैं वॉलेटिलिटी, और ये अपनी कैटेगरी से ज्यादा है, ऐसी इसीलिए इसमें रिटर्न भी ज्यादा है, तो आप देखकर चल सकते हैं। अगर आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा पसंद नहीं है, तो इसी कैटेगरी का कोई ऐसा फंड देखिए जिसमें वॉलेटिलिटी कम हो, ये दोनों रेशियो कम हो, तो देखिए इसमें ये ज्यादा है। अब बात करें शार्प रेशियो और अल्फा की, तो देखिए ये ज्यादा ही होना चाहिए और ये कैटेगरी से अच्छा है, तो ये एक अच्छी बात होती है। अब देखिए शार्प रेशियो हमें ये बताता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, दोनों एक मतलब एक ही कैटेगरी है, दो फंड है, कौन सा फंड कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो ये अपनी कैटेगरी से अच्छा है, इस चीज में अच्छा है।
अब देखिए अगर अपन इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो में 89.16% इक्विटी होल्डिंग है, मतलब स्टॉक मार्केट में कंपनियों में लगा है। डेट की बात करें तो 2.18% का डेट पे है, और अदर की बात करें तो 8.64% की सारी चीजों में होल्डिंग है। अब देखिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी है और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अब देखिए अगर आपको और कोई टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पर ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता रहता है, इस कारण आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बार मैं फिर आपको बता दूं ये सारी चीजें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सिर्फ इससे आप एक आइडिया लीजिएगा, खुद से सोच समझने के बाद इन्वेस्टमेंट करिएगा। धन्यवाद।